पार्टी का, जो कि भव्य स्वागत किया जा रहा है लाइव के माध्यम से, आप देख सकते हो। और सभी साथी लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। एक एक शब्द मिलेंगे भैया, हमारे जन जन के लोकप्रिय नेता, हमारे बहुजन समाज की हर मानव शान, भैया ब्रह्मो दिखाना ऐसे पकड़ लो आप, ठीक है, ऐसे यहाँ धन्यवाद बहुत बहुत। और शिवपुरी में सभा है, लेकिन यहाँ आपने स्वागत का प्रोग्राम रखा, मैं मोहना के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि सिर्फ स्वागत से काम नहीं चलेगा, इस लड़ाई को कंधे से कंधा में आके लड़ना पड़ेगा। अगर इस गुलामी को काटना चाहते हो, ये जो अन्याय चला रहा है उसको खत्म करना चाहते हो, अगर इस अन्याय को खत्म करके अपनी जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं को हासिल करना चाहते हो, अपनी परेशानियों को खुद से दूर भेजना चाहते हो, तो आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और ये एक दिन नहीं लड़ी जाएगी, ये पूरे 365 दिन लड़नी पड़ेगी। जैसे हम सुबह उठ के कमाने जाते हैं ना कि हमारे बच्चों के पेट में रोटी पड़ जाए, ऐसे हमें अपने आंदोलन को भी मजबूत करना पड़ेगा। और जब हम भाईचारा बना के अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, ये लोग मेरे हृदय से नहीं हो सकते जो बहुत नारे लगाते हैं, ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। नारे लगाने से ज्यादा जमीन पर जाकर मेहनत करो, वरना फिर आप यहाँ गुलामी झेलते रहोगे, दूसरे लोग यहाँ राज करेंगे और हम लोग आप आगे एक एक सुधा के लिए उनके आगे हाथ खड़ा करेंगे। किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, ये मोहताज बने रहेंगे। अगर इनको अपनी गुलामी से की बेड़ियां काटनी है तो इनको इस लड़ाई को संघर्ष का रास्ता सभी साथी बड़े भैया की वीडियो को लाइक। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में हमें वोट की ताकत देके गए, जिसके ताकत के दम पर हम अपनी गुलामी को काट सकते हैं। लेकिन 75 साल की आजादी में हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ रोटी आई है, रोटी अभी भी सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ये टेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप सड़क का रास्ता और गांव का रास्ता इख्तियार कर लो। गांव गांव जाके समाज को जोड़ने का काम करो, उनको अपनी बात पहुंचाने का काम करो। इस नारे को याद रखो कि अब अमीर का बेटा राज नहीं करेगा, अब गरीब का बेटा भी जो है मेहनत करके आगे बढ़ेगा। तो लोकतंत्र आपके लिए है, राजशाही तो अमीरों पर पहले भी थी, लोकतंत्र आपके लिए कि आपके बीच के लोग जाएंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। अब आपको यह तय करना है कि राजशाही के भरोसे रखना है या बाबा साहब द्वारा दी गई वोट की ताकत से जो है अपने हाथों को मजबूत करना है। और क्या तो मेहनत करो, वरना ये राजनीतिक दल कल आपसे सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे। ये बात आप याद रख लो मेरे। आज हालात बहुत खराब है तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन अपने आंदोलन को मजबूत करना है। मैं सभी साथियों से करूंगा कि कार्यकर्ता बन के काम करे, जिससे समाज आपके साथ खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर। ये नकली लोग हैं, फिर कह रहा हूँ, असली वो है जो फील्ड में जाके काम करेगा, जो है नारेबाजी करेगा, वो सिर्फ खुद को चमकाने काम कर रहा है। जो जाकर गांव में मेहनत करेगा वो सबसे अच्छा कार्यकर्ता है। तो नारा से बाहर निकल के जमीन पे जाके काम करो अगर कुछ ताकत बनानी है, वरना फिर आपके हाथ में जीरो आएगी। अगर मेहनत करोगे तो ताकत आएगी, अगर नहीं मेहनत करोगे, नारा लगाओगे तो जीरो आएगी। अब आपको तय करना है क्या करना है। इस बार का पंचायत का चुनाव खत्म हो गया ना, क्या बने आपका यहाँ बताओ। अगर आप पिछलग्गू के अलावा कुछ बने हो तो बताओ। चलो छोड़ो सारी बात, पंचायत का चुनाव खत्म हो गया ना, कितने मेयर आपके बने, कितने नगर पालिका के चेयरमैन आपके बने,
कितने जिला पंचायत के अध्यक्ष आपके बने, कुछ बना आपका? आपकी वोट थी और राज उनका आया, आप फिर झुके, तू बनाते रहो उनके, फिर होते रहो, फिर जो जुल जाती अन्य अत्याचार होगा उसके खिलाफ सड़कों पर रहना, तो सड़कों पर तो रहो लेकिन संघर्ष करने के लिए रहो। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस वोट के जरिए आप जैसे वो तिरंगा झंडा वहां चमक रहा ना, ऐसे आप भी चमक सकते हो। ये वोट बहुत बड़ी ताकत है, ये रोटी कपड़ा मकान पैसों से भी बड़ी ताकत है। अगर ये आपके हाथ में है तो फिर ये प्रदेश आपके हाथ में। अब आपको तय करना है कि गुलामी सहनी है, अन्याय के खिलाफ लड़के अपने हाथ में ताकत लेनी है। धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामना है, बहुत बहुत। और ये जो प्रोग्राम जिन साथियों ने किया उन सब साथियों का धन्यवाद, दिनेश जोराठी जी, कल्याण सिंह जी, रुपेश जी, इस्लाम खान साहब, आकेश कोड़े जी, और इधर जो है हमारे वीरेंद्र गोयल, आरिफ खान, महेश साकी, ओम प्रकाश, मेरे नाम राशि चंद्रशेखर, प्रवीण साकी, चंद्रवान बोध, पवन जाटव, कुणाल कोड़े और अंकित कोड़े और जितने साथी हैं सबका धन्यवाद। आप सब लोग आगे बढ़ो, मैं तो बस आपको राज करते देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।